नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक तिवारी अपोलो सेज हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में सीनियर कंसल्टेंट हूं। मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट और बोन ट्यूमर स्पेशलिस्ट हूं। आज हम नी के ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब कि घुटने के गठिया के बारे में थोड़ा जानेंगे। क्या आपको घुटनों में दर्द रहता है? क्या आपको सीढ़ियाँ चढ़ने या उतरने में परेशानी आती है? या फिर क्या आपको नीचे ज़मीन पर पालती मार के बैठने में, घुटने मोड़ कर बैठने में कुछ तकलीफ आती है? अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स हैं आपको, तो आपको नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस एक उम्र से संबंधित बीमारी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, घुटने की जो हड्डियाँ हैं उनमें थोड़ी घिसावट शुरू हो जाती है। इसी को नी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। इसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं जिसके हिसाब से इसका अलग अलग इलाज संभव होता है। घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका हर स्टेज का इलाज संभव है। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स हैं तो आपको देरी नहीं करनी चाहिए, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए जिसके जरिए जो भी उसका इलाज है वो जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। आइए अब हम आपको इसका विस्तार से एक मॉडल के जरिए आपको बताएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस का मॉडल है। यहाँ पे ये नॉर्मल घुटना है लेफ्ट में, और ये मॉडरेट स्टेज ऑफ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब कि जब शुरुआत होती है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि घुटने में थोड़ी घिसावट आना शुरू हुई है, और ये सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस है मतलब कि घुटने की जो हड्डियाँ हैं उसमें काफ़ी घिसावट आ चुकी है। तो जब ऑस्टियोआर्थराइटिस की अर्ली स्टेजेस होती हैं तो इसमें जो इलाज है इसमें कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं और व्यायाम बताया जाता है, जैसे कि जिसको हम फिजियोथेरेपी कहते हैं, फिजियोथेरेपी की जाती है, और साथ में कुछ प्रिकॉशंस बताए जाते हैं। अगर उनसे भी फायदा नहीं होता है तो फिर घुटनों में कुछ इंजेक्शंस लगाए जा सकते हैं जिससे घुटनों के दर्द में कुछ समय तक फायदा रहता है। लेकिन अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस सीवियर है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इसमें इसका जो इलाज होता है वो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होता है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में जैसा कि आप इस मॉडल में देख पा रहे हैं, जो खराब हड्डी है उसको काटा जाता है और फिर से रीसरफेस किया जाता है। हड्डी के दोनों हड्डियों के एंड्स पे इस प्रकार से मेटल के सरफेसेस लगाए जाते हैं, बीच में एक स्पेसर होता है, तो इस प्रकार से एक नया घुटना बना दिया जाता है। ये भले ही कॉम्प्लेक्स सर्जरी है लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, और इसके बाद अगले दिन से ही हम चल सकते हैं, वॉकर के सहारे चलाया जाता है, और 3 से 4 दिन में हॉस्पिटल से छुट्टी भी की जा सकती है। तो जैसा आपने देखा कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक भले ही कॉम्प्लेक्स सर्जरी है लेकिन उसमें जो घुटने की खराब हड्डी है उसको बदला जाता है और फिर से एक नया घुटना बना दिया जाता है। तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। आपको अगर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के कोई भी सिम्टम्स हैं तो आप अपोलो सेज अस्पताल में आ सकते हैं। इसमें यहाँ पर हर स्टेज का ट्रीटमेंट उपलब्ध है और उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। धन्यवाद।